ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिलासपुर के सांडू मैदान स्थित पुराने शहर के प्राचीन एवं ऐतिहासिक मंदिरों के पुनर्स्थापन को लेकर अब उम्मीदें लगने शुरू हो गई हैं। गौरतलब है कि 8वीं शताब्दी के ये प्राचीन मंदिर भाखड़ा बांध के अस्तित्व में आने के उपरांत गोविंद सागर झील में जलमग्न हो गए थे। इन मंदिरों के सर्वेक्षण के लिए गत दिनों से दिल्ली व जयपुर राजस्थान से आई दो टीम सर्वे कर लौट गई है। इन दोनों टीमों ने इन मंदिरों के पुनर्स्थापन के सकारात्मक संकेत दिए हैं। बिलासपुर के सांडू मैदान स्थित पुराने शहर के प्राचीन एवं ऐतिहासिक मंदिरों के पुनर्स्थापन को लेकर अब उम्मीदें जागने लगी हैं। आपको बता दें कि 8वीं शताब्दी की ये प्राचीन मंदिर भाखड़ा बांध के अस्तित्व में आने के उपरांत गोविंद सागर झील में जलमग्न हो गए थे। इन मंदिरों के सर्वेक्षण के लिए गत दिनों ही दिल्ली व जयपुर से आई दो टीमों ने सर्वे किया था। इन दोनों टीमों ने इन मंदिरों के पुनर्स्थापन के सकारात्मक संदेश दिए हैं। भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा बिलासपुर जिला के गोविंद सागर झील में जनमगन मंदिरों के पुनर्स्थापन के लिए इंटरेस्ट ऑफ एक्सप्रेशन आमंत्रित किए थे। सचिव भाषा संस्कृति विभाग, निदेशक भाषा संस्कृति विभाग व उपायुक्त राजेश्वर गोयल के सकारात्मक प्रयासों से दो एजेंसियों ने यहाँ आकर इंडियन ट्रस्ट फॉर रूरल हेरिटेज एंड डेवलपमेंट नई दिल्ली से 5 सदस्य दल ने जलमग्न मंदिरों व चिन्हित जगह का निरीक्षण किया। इस सर्वे के दौरान जिला भाषा एवं सांस्कृतिक अधिकारी नीलम चंदेल एवं पुरातत्व अभियंता CL कश्यप भी मौजूद रहे। इन दोनों एजेंसियों को जिला भाषा अधिकारी द्वारा मंदिरों के इतिहास की जानकारी भी दी गई। इन टीमों ने इन 8 मंदिरों को काले बाबा की कुटिया के समीप चयनित भूमि का भी निरीक्षण किया। काबिले गौर है कि बिलासपुर में पिछले काफी अरसे से गोविंद सागर झील में जलमग्न मंदिरों के पुनर्स्थापन की मांग विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा की जा रही थी, लेकिन इन मंदिरों के पुनर्स्थापन आज तक नहीं हो पाया है। हालांकि वर्ष 2011 में भी इन मंदिरों को लेकर सर्वे हो चुका है, लेकिन वो आज तक सिरे नहीं चढ़ा। सरकार द्वारा इस संबंध में ASI पुरातत्व विभाग से भी सर्वेक्षण करवाने का प्रयास किया गया, लेकिन उसमें भी कुछ खास सफलता हासिल नहीं हुई। अब इन दो एजेंसियों ने इन मंदिरों के पुनर्स्थापन होने के सकारात्मक संदेश जरूर दिए हैं। जिला भाषा अधिकारी नीलम चंदेल का कहना है कि इंडियन ट्रस्ट फॉर रूरल हेरिटेज एंड डेवलपमेंट नई दिल्ली से 5 सदस्य दल व डिजाइन एजेंसी जयपुर से टीम को इंटरेस्ट ऑफ एक्सप्रेशन के तहत 31 जुलाई तक अपने सुझाव व रिपोर्ट देनी होगी। इसके उपरांत जो भी एजेंसी इनकी शर्तों के अनुरूप पात्र होगी, वे बाद में जलमग्न मंदिरों के पुनर्स्थापन का कार्य करेगी। उन्होंने बताया कि प्राचीन बिलासपुर के धरोहर को स्थापित करने के लिए विभाग काफी समय से प्रयासरत है। अभी तक जलमग्न मंदिरों में 8 मंदिर ही शेष बचे हैं जो कि जमीन पर दिखाई देते हैं। इन 8 मंदिरों को काले बाबा की कुटिया के समीप चयनित भूमि पर पुनर्स्थापन किया जाएगा। स्टेट इस ढंग से प्रश्न में रहा कि भारत सरकार के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने तो ये प्रोजेक्ट नहीं लिया, तो हम अब इसमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट और इनकी टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड का प्रोसीजर लेकर के फिर जो फर्म फाइनलाइज होगी वो इस काम को करेगी। पर इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसका वर्किंग सीजन सबसे कम है, इसलिए हो सकता है कि फर्म हेजिटेंट हों, क्योंकि आपके पास वर्किंग सीजन है सिर्फ 15 मार्च से 15 जून होता है, 3 महीने। और 3 महीने के अंदर इन मंदिरों को जमीन से निकालना, उनकी डॉक्यूमेंटेशन करना इतना आसान कार्य नहीं है। तो इसको अगर कोई समझे कि अगर इतना जल्दी हो पाएगा, नहीं है, फेज्ड मैनर में होगा, पर हो जाएगा। सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि जो हमारी बिलासपुर का जो लुप्त हो रहा